तो दोस्तों, अगर आप सभी लोग खोज रहे हैं अपने घर के लिए एक फुल्ली ऑटोमेटिक बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट सेलिंग जो सबसे ज्यादा बिकने वाले फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का यहाँ पे मैं डिटेल में रिव्यू दूंगा। और ये जो मैंने लिस्ट तैयार करी, काफी सारे पॉइंट्स को सोच समझ के तैयार करी, ताकि आप सभी जो कंज्यूमर है उनको एक अच्छा वाला ही यहाँ पे प्रोडक्ट मिले। और एक बात की मैं आपको गारंटी जरूर देता हूँ कि इन पांचों प्रोडक्ट में आप सभी लोग देखिएगा एक ना एक प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज जरूर करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल ये ही इंडिया में सबसे अच्छे बिकने वाले हैं, सबसे अच्छे वाले ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। अगर आपको ये वीडियो पूरा नहीं देखना है और काफी जल्दबाजी में, तो ये रहे इंडिया के टॉप 5 बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। और इन सारे प्रोडक्ट्स की Amazon एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्टली जाके Amazon से इन सारे प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे है वो है बॉश का 8kg वॉशिंग मशीन, सेकंड नंबर पर सैमसंग का 6kg इन्वर्टर 5-स्टार वॉशिंग मशीन, थर्ड नंबर पे है एलजी का 9kg 5-स्टार इन्वर्टर वॉशिंग मशीन, फोर्थ नंबर पे है आईएफबी का 8kg फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फिफ्थ नंबर पे है बॉश का 6kg 5-स्टार इन्वर्टर वॉशिंग मशीन। तो दोस्तों, अभी आप सभी लोगों ने देखा ये है इंडिया के टॉप 5 बेस्ट। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। इस वीडियो के लास्ट में मैंने इसका एक छोटा सा डिटेल में बाइंग गाइड बताया, जहां पे मैंने आपको सारी जानकारी दी है कि किन किन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप सभी लोग सोच रहे हैं कि कौन सा लूं, कितने कैपेसिटी का लूं, क्या क्या फीचर वाला लूं, कौन से ब्रांड का लूं, कितनी वारंटी वाला लूं, मोटर कैसा लूं, उसके अंदर इन्वर्टर वाला लूं या नहीं लूं, वाईफाई वाला लूं या नहीं, मतलब इतने सारे मैंने पॉइंट को सोचा कि पूरा एक डिटेल में बाइंग गाइड बताया, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में देखने मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके डिटेल में मैं आपको सारे फीचर्स बताता हूं। तो प्लीज कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब आने वाला है ये टॉप 5 इंडिया के टॉप 5 बेस्ट सेलिंग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन इन इंडिया। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। जो फिफ्थ नंबर का बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करूंगा वो है बॉश का 6kg 5-स्टार फुल्ली ऑटोमेटिक विद इनबिल्ट हीटर वॉशिंग मशीन, जिसकी यहाँ पे कैपेसिटी आपको 6kg की मिलती है, मतलब एक से तीन लोग का अगर आपका फैमिली है तो आप लोग डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है, मतलब इसके अंदर पावर कंजम्पशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और साथ साथ यहाँ पे 15 तरह का वॉश प्रोग्राम है, मतलब 15 अलग अलग कपड़ों आप लोग धो सकते हैं। और इसके अंदर आपको 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है और 10 साल की वारंटी आपको इसमें मोटर पर मिल जाती है। और यहाँ पे 1000 RPM का मैक्सिमम स्पीड है, मतलब जितना ज़्यादा RPM होगा उतना जल्दी आपके कपड़े धुलेगा, उतना जल्दी यहाँ पे सूखेगा। तो ये एक बहुत अल्टीमेट फीचर है। इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो यहाँ पे एंटी वाइब्रेशन डिज़ाइन है, मतलब ये वाइब्रेट नहीं करता, जिसके कारण यहाँ पे साउंड बहुत कम प्रोड्यूस होता है। और अराउंड 53 dB ये वॉशिंग के समय साउंड प्रोड्यूस करता है, और अराउंड 73 dB ये स्पिनिंग टाइम ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर एक और फीचर जिसके अंदर ना आप लोग 99.99% ये बैक्टीरिया पूरी तरह से ये रिमूव करता है, अगर आपको कपड़ों में बैक्टीरिया है तो सैनिटाइजेशन के नाम पर भी ये एक बेहतरीन वॉशिंग मशीन आपको रेकमेंड करता हूँ। उसके अंदर एक और स्पीड परफेक्ट फीचर जो कि 65% लेस टाइम लेता है। अगर मान लीजिए आप काफ़ी जल्दीबाजी में हैं तो आप इस फीचर का डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके कपड़े धुल के सो के मतलब सूख के भी निकल जाएंगे, और 65% लेस ये टाइम लेता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके अंदर एक इनबिल्ट हीटर भी, मतलब पानी गर्म इसमें होता है, और उस गर्म के चलते जो खराब से खराब दाग वगैरह वो बहुत आसानी तरह से ये निकाल देता है। और साथ रीलोड प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप लोग एक साइकिल कंप्लीट होने से पहले ही अगर आप कुछ कपड़े धोने डालने जाते हैं तो उसमें आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर एक और अच्छा अल्टीमेट फीचर वो है एंटी टैंगल प्रोग्राम, जो कि 50% पूरा टैंगल को बचा देता है। मतलब कपड़े क्या होता है ना, वॉशिंग मशीन में धोएंगे तो बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, तो इसका एंटी टैंगल प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, जो कि कपड़े को फंसने यहाँ पे नहीं देता है। और एंटी वाइब्रेशन डिज़ाइन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका जो साइड पैनल है वो पूरी तरह से एंटी वाइब्रेशन डिज़ाइन पर बना गया है, जिसके कारण साउंड यहाँ पर कम प्रोड्यूस होता है। इसका जो वेरियो ड्रम है वो भी बहुत अच्छा है, स्पेशली जो डेलिकेट कपड़े हैं, जो सॉफ्ट कपड़े हैं, उसमें वॉशिंग करते समय ना आपको कपड़े कहीं भी ख़राब नहीं होंगे, तो ये वेरियो ड्रम का काफ़ी एक एडवांस फीचर दिया है। और रीलोड प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो कि मान लीजिए एक साइकिल कंप्लीट होने से पहले अगर आपको कुछ कपड़े डालने हैं या निकालने हैं तो आप लोग डेफिनेटली इस रीलोड प्रोग्राम का यूज़ करके कपड़े को डाल भी सकते हैं और कपड़े को यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा फीचर बॉश में दिया गया है। स्पीड परफेक्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो कि यहाँ पर 65% फास्टर है एज कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल साइकिल देखेंगे तो 65% ये फास्ट आपके कपड़े को धोएगा, सोख के निकालेगा। और एक अमेजिंग फीचर है वो है एक्टिव वाटर प्लस, जो जिसके अंदर ये वाटर लेवल को पूरी तरह से एडजस्ट करता है डिपेंडिंग अपन लोड फैब्रिक टाइप, जो कि आपके पानी बचत में बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितना पानी रिक्वायरमेंट है ये उतना ही पानी को अंदर लेता है, ये भी एक बहुत अच्छी फीचर है। ओवरऑल डिज़ाइन देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मिले, जिसके अंदर टच पैनल है, नॉब है, और यहाँ पे डिटर्जेंट डालने वाला पूरा सेक्शन दिया हुआ, तो ये वन ऑफ द बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है।
सो फोर्थ नंबर का जो बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करूंगा वो है IFB का 8 kg फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसकी यहाँ पे कैपेसिटी अराउंड 8 kg का, तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ये आप सभी लोग के लिए बहुत ही अच्छा एक वॉशिंग मशीन है। यहाँ पे स्पिन स्पीड आप लोग देखिए 1400 RPM का है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये फास्ट आपके कपड़े धोएगा, बहुत ही जल्दी आपके कपड़े धोके निकाल भी देगा। और यहाँ पे पावर कंजप्शन अराउंड 2260 वाट का यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन जो है 1.03 kW एक घंटे में ये कंज्यूम करता है। 4 साल की इसमें आपको वारंटी मिलती है और प्रोडक्ट पे भी और मोटर पे, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मतलब वारंटी भी आप लोग देखिए काफ़ी अच्छी, यहाँ पे आपको वारंटी मिल जाती है। इस वॉशिंग मशीन के अंदर भी आपको 15 अलग अलग तरह का वॉश प्रोग्राम, जैसे सिल्क के अलग है, कॉटन के लिए अलग है, और इसके अंदर भी इनबिल्ट हीटर, अगर आप लोग कपड़े गर्म करके धोना चाहते हैं तो इसके अंदर भी इनबिल्ट हीटर दिया है, जिसके अंदर पानी गर्म हो जाएगा और उस गर्म पानी के चलते आप लोग ब्लैंकेट हो गया, जैसे होता है ना बहुत गंद, कभी कभी कपड़े गंदा होता है तो हम लोग क्या करते हैं गर्म पानी में भिगोते हैं, तो इसके अंदर इनबिल्ट ही दिया हुआ है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक साइकिल में करीब 60 लीटर का यहाँ पे टोटल ओवरऑल यहाँ पे वाटर कंज्यूम करता है, तो आप लोग कैपेसिटी भी आप लोग इसकी यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक एयर बबल टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, जिसमें क्या करता है ये डिटर्जेंट को बबल के फॉर्म में बनाता और जो भी गंदगी उसके बीच में भेजता है, जिसके कारण यहाँ पे जो डीप डर्ट से वो पूरी तरह से यहाँ पे रिमूव होते हैं। और इसके अंदर एक और एक्वा एनर्जी है, जो कि वाटर को डिटर्जेंट में अच्छे से डिजॉल्व करता है, ताकि आपके कपड़े बहुत अच्छे से सॉफ्ट तरीके से यहाँ पे वॉश हो पाए। तो आप लोग देखिए फंक्शनैलिटी के मामले में ये IFB भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका आप लोग पूरी तरह से स्क्रीन देख सकते हैं, कितने जो इसका LCD डिस्प्ले है वो कितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, हालांकि इस तरह का इसमें इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरह से देखने मिल जाएगा। और इसके अंदर एक स्पेशल प्रोग्राम में जो कि सिल्क स्पेशल मांग रहे हैं, सिल्क के कपड़े धोना चाहते हैं तो वो भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से धो सकते हैं। इसके आप लोग बॉल की वॉल्व टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, जो कि डिटर्जेंट को पूरी तरह से अंदर रखता है, मतलब वेस्टेज यहाँ पे नहीं करेगा, आपका पानी और डिटर्जेंट कहीं से भी वेस्ट होने से ही ये आपको बचाएगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और जो इसका जो मून स्टाइल के इसका जो ड्रम है, जो कि फैब्रिक को डैमेज होने से यहाँ पे बचाता है। और ये देखिए 3D वॉश है, मतलब चारों तरफ से इसमें पानी आता है, जिसके कारण आपके कपड़े बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे धुल जाते हैं। और साथ साथ इसके अंदर हाई वोल्टेज प्रोडक्शन मिलता है, मतलब बिजली कटने ऊपर नीचे जाने से कुछ भी दिक्कत नहीं, और ऑटोमेटिकली ये पॉज हो जाता है, और जैसे ही पावर आता है ऑटोमेटिकली वहीं से ये स्टार्ट भी हो जाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको मशीन फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आप लोग का मशीन रुका है वहीं से ये स्टार्ट होगा। और टाइम डिले भी फंक्शन इसमें दिया है, जो जिसमें आप लोग टाइम सेट कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं 30 मिनट्स बाद मुझे स्टार्ट करना है या 24 आवर्स बाद आपकी वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो, तो वो भी फीचर आपको इसमें मिल जाएगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है ये IFB ब्रांड का, आप लोग चेकआउट जरूर करिएगा। इसके भी जो रिव्यूज़ हैं, परफॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छे हैं, और आप लोग इसका भी पूरा ओवरऑल डिज़ाइनिंग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इसका ओवरऑल पूरा ऑपरेशन के लिए यहाँ पे दिया है, सिल्क स्पेशल IFB डिटर्जेंट सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ये भी एक हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। थर्ड नंबर का बेस्ट वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन इंडिया में आप सभी लोग को जो रेकमेंड करूँगा वो है LG का। LG काफ़ी अच्छे ब्रांड है, 9 kg 5-star फुल्ली ऑटोमेटिक, ये पूरी तरह से 5-star रेटिंग वाला वॉशिंग मशीन है, जिसके अंदर 9 kg का आपको कैपेसिटी मिला। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप सभी लोग को डेफिनेटली ये वाला ले ही लेना चाहिए। इसके अंदर भी आपको 2 साल की वारंटी मिलती है इस प्रोडक्ट के ऊपर, और 10 साल की वारंटी मिलती है मोटर पर, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छे से वारंटी मिलती है। और इसकी जो स्पिन स्पीड है वो यहाँ पे 1400 RPM का स्पिन स्पीड है, और इसका एनर्जी कंजप्शन देखिए 0.08 kW/h, और ये पूरी तरह से इन्वर्टर और वाईफाई के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर का जो ड्रम है ना वो 6 motion कंट्रोल से घूमता है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से ये घूमता है, जिसके कारण आपके कपड़े ना बहुत अच्छे अच्छे तरीके से यहाँ पे धुल सकते हैं, तो ये भी एक एडवांस फीचर जो कि आपको LG के वॉशिंग मशीन में ही मिलेगा। और ये इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव है, तो इसका इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव बेसिकली आपके जो कपड़े हैं उसके लोड के अकॉर्डिंग ये रन करता है, जिसके कारण आपके पावर बचेगा और काफ़ी साइलेंट तरीके से काम करता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा और नॉइज़ भी यहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा। तो ये इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव आपका बहुत ही कामयाब चीज़ है, बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। और इसके अंदर आपको स्टीम वॉश मिलता है, जो कि मुझे लगता है इसमें किसी में भी नहीं मिलेगा, जो कि स्टीम वॉश आपके जो बैक्टीरिया उसको स्टेरलाइज करता है, जितने डस्ट माइल्स वगैरह उसको भी यहाँ पे क्लीन करता है, जो कि इन सारे वॉशिंग मशीन में इसी के अंदर आपको स्टीम वॉश की फंक्शनैलिटी मिलेगी। और आप लोग इसको वाईफाई के थ्रू कहीं से भी वर्ल्ड में बैठ के आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी एक एडवांस फीचर है जो कि आपको इसी वॉशिंग मशीन में मिलेगा, जिस ये मतलब एक हाईटेक वॉशिंग मशीन है। और इसके अंदर टर्बो वॉश वाला फीचर दिया है, जिसके अंदर आप लोग मात्र 59 मिनट्स के अंदर ही सारे कपड़े धो भी सकते हैं, सूखे निकाल भी सकते हैं, तो आप लोग टर्बो वॉश का फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ इसके अंदर इनबिल्ट हीटर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनबिल्ट हीटर है, जिसके अंदर पानी गर्म होता है और उस गर्म पानी से आपके कपड़े धो के यहाँ पे निकल जाता है, तो ये भी एक अच्छा फीचर जो कि आपको LG के मिल जाएगा। अगर आप लोग एक अच्छा वाईफाई वाला
चाहते हैं तो आप लोग ये LG का ले सकते हैं, क्योंकि उस वाईफाई के चलते आपके वॉशिंग मशीन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको डायरेक्टली ऐप में पता चल जाएगा कि आपके वॉशिंग मशीन के कौन से एरिया में क्या प्रॉब्लम यहाँ पर आया है। इसका जो टच पैनल है वो पूरे से वाटरप्रूफ टच पैनल है, ये भी एक एडवांस है। और ऑटो रिस्टार्ट, जैसे आपका पावर कट होता है तो ये पॉज हो जाएगा, और जैसे ही पावर ऑन होता है तो उसी सेकंड ये चालू हो जाएगा, मतलब जहां पे रुका था वहीं से चालू, ऐसा नहीं कि स्टार्ट से चालू होगा। और जो उसका ड्रम है वो बेसिकली स्टेनलेस स्टील का ड्रम है, जिसमें बैक्टीरिया नो रस्ट वगैरह, और बहुत ही अच्छा है और लॉन्ग लाइफ ये प्रोडक्ट है। मतलब सीरीज बता रहा हूँ, अगर आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड लेना है तो आप लोग ये LG का ले सकते हैं, काफ़ी एडवांस है, क्योंकि इसके अंदर स्टीम मिलता है, वाईफाई से आप लोग कंट्रोल सकते हैं, और इसका जो टेक्नोलॉजी भी है वो भी एक बहुत अच्छा यहां पे मोशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। जो सेकंड नंबर का बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करूंगा, वो भी है सैमसंग का 6 kg 5-star फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। सैमसंग का जैसे आपको पता है कि काफ़ी अच्छा ये ब्रांड है, काफ़ी अच्छे वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है प्रोडक्ट के अंदर, और 10 साल की वारंटी मिलती है इसमें मोटर पर। और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1000 RPM का है, और यहाँ पर नॉइज़ लेवल देखिए आप लोग, मात्र 49 dB का नॉइज़ लेवल, और स्पिनिंग में नॉइज़ लेवल यहाँ पर 61 dB का है। इसके अंदर भी आपको इनबिल्ट हीटर मिलता है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में जैसे मान लीजिए आप लोग कम कपड़ा डालेंगे तो ये कम पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन अगर आप लोग ज्यादा कपड़ा डालेंगे तो ये ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। मतलब इसमें क्या स्पीड के अकॉर्डिंग आपके पावर कंजम्पशन यहाँ पे चेंज होती है, मतलब लोड पे यहाँ पे पूरी तरह से पावर डिपेंड होता है। इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है वो है डिले एंड, जैसे मान लीजिए आप लोग कुछ देर कपड़े भिगो के रखना चाहते हैं, या कुछ आप लोग लगता है कि 2 घंटे बाद आपकी वॉशिंग मशीन रुक जाए, तो आप लोग इस डिले एंड का डेफिनेटली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे डेलिकेट वॉश वाला भी फीचर मिलता है आपको, क्विक वॉश वाला भी फीचर मिलता है। मतलब फीचर्स के मामले में ये आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं अगर आप एक लॉन्ग रन में देखेंगे, जैसे डिले एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे यूजफुल लगा। उसके बाद अगर आप इसका ओवरऑल डिज़ाइनिंग देखिए, इसमें 15 क्विक वॉश दिया है, हाइजीन स्टीम भी दिया है, स्टीम वाली फंक्शनलिटी भी आपको इसमें मिलती है, और रिंस पिन सब कुछ एक बटन के जैसे आप लोग दबाएंगे उस बटन के तौर से ये सारा का सारा आपका सारा काम करके दे देगा। और इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, सैमसंग जैसे एक वेल ट्रस्टेड ब्रांड है, और इनका सर्विस नेटवर्क भी देखेंगे तो आपको इंडिया के हर कोने में आपको इसका सैमसंग का मिल जाएगा। इसका जो ड्रम है वो डायमंड ड्रम है, और इसके अंदर सिरामिक हीटर दिया है जो स्केलिंग डेवलप होने नहीं देता, जैसे हार्ड पानी का इस्तेमाल करेंगे तो स्केलिंग डेवलप होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिरामिक हीटर का यूज़ किया गया है। इसका आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरह से स्टीम साइकिल को इम्प्रूव करता है, जैसे मैंने बताया कि हाइजीन स्टीम इसमें भी दिया है, तो स्टीम के चलते आपके कपड़े का जो गंदगी है बहुत अच्छे तरीके से ये रिमूव कर देता है। और ये भी डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है जो कि इसको एक बहुत अच्छा एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाता है, और साथ साथ इसमें जो नॉइज़ है वो भी यहाँ पे बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है। और देख सकते हैं यहाँ पे बिजली की बचत यहाँ पे 40% तक कम हो जाती है एक नॉर्मल वॉशिंग मशीन से अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो। इसका जो ड्रम है वो डायमंड ड्रम है जो कि प्रिवेंट को फंसने से यहाँ पे रोकता है और डैमेज वगैरह नहीं करता है, क्योंकि ड्रम की क्वालिटी भी एक अच्छी ड्रम की क्वालिटी होनी चाहिए ताकि आपके जो डेलिकेट कपड़े हैं वो बहुत अच्छे से धुल पाए और उनमें कुछ भी यहाँ पे डैमेज वगैरह यहाँ पे नहीं हो। तो इसके जो ड्रम है वो डायमंड ड्रम है, जो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसका आप लोग हीटर देख सकते हैं, सिरामिक हीटर किस तरह से ये काम करता है, और ये हीटिंग बेसिकली इसमें स्केलिंग वगैरह जो हार्ड पानी के चलते स्केलिंग डेवलप होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद दाग या कचरे टाइप का, वो यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। और इसका डिले एंड वाला फीचर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, जिसमें आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपके वॉशिंग मशीन कितने घंटे बाद रुके, तो ये डिले एंड का फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो कि इसी वॉशिंग मशीन में आपको देखने में मिलता है। क्विक वॉश के अंदर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर मात्र 15 मिनट्स के अंदर ही आप लोग कपड़े धो के निकाल सकते हैं, हालांकि यहाँ पे कपड़े का यूज़ आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे कपड़े भर दिए, तो मात्र 15 मिनट के अंदर ये कपड़ों को धो के सुखा के आपको देगा। तो आप लोग इमेजिन करिए सुबह सुबह भी अगर उसमें कपड़े डालेंगे तो आपको ऑफिस जाने से पहले तक सारा का सारा कपड़ा करके रेडी भी यहाँ पे कर देगा। और साथ ही इसके अंदर वूल फैब्रिक का वॉश है, सिल्क वगैरह, मतलब बहुत अलग अलग कपड़ों के लिए यहाँ पे अलग अलग वॉशिंग वाले यहाँ पे पूरी तरह सिस्टम यहाँ पे दिया है, तो मैं आप सभी को ये भी एक हाईली रिकमेंड करता हूँ। जो फर्स्ट नंबर का बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन इन इंडिया 2021, वो है बॉश का 8 kg इन्वर्टर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसकी कैपेसिटी यहाँ पे आपको 8 kg है, तो मतलब आपके लार्ज फैमिली तक हैं तो आप लोग डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। यहाँ पे वॉटेज देख सकते हैं 2300 वॉट की इसकी पूरी कैपेसिटी है, और यहाँ पे स्पिन स्पीड देखिए 1200 RPM, मतलब कितना ज़्यादा फास्ट ये कपड़े धोएगा और कितना जल्दी ये सूखे निकाल के देगा। और इसके अंदर 15 तरह के वॉश प्रोग्राम भी आपको मिलता है, अलग अलग कपड़ों के लिए अलग अलग वॉश प्रोग्राम इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। और इसके वारंटी देखिए 2 साल की वारंटी मिल रही है इसके प्रोडक्ट के ऊपर, और 10 साल की वारंटी मिल रही है आपको इसके मोटर के ऊपर। मैं बॉश आप सभी को फर्स्ट में इसलिए रिकमेंड करूँ क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो लॉन्ग रन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, और इसके जो सर्विसेज हैं वो भी आपको बहुत अच्छे यहाँ पे
मिल जाएंगे। तो आप लोग इसको भी एक बार चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके जो नॉइज़ लेवल है वो यार 53 dB की है वॉशिंग करते समय, और स्पिनिंग करते समय यार 73 dB का ये आपको साउंड प्रोड्यूस करता है। और एक एडवांस फीचर इसके अंदर क्या है, एलर्जी प्लस फीचर। अगर आपको किसी से एलर्जी होती है ना तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे लोगों को एलर्जी कुछ चीज़ें होती है, लेकिन इसका जो वॉशिंग टेक्निक है वो एलर्जी को रिमूव, एलर्जी प्रोड्यूस करने वाले चीज़ों को रिमूव कर देता है। और ये पूरी तरह से जर्मन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर ये बना है। इसके अंदर भी आपको एंटी टैंगल प्रोग्राम, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर कपड़े फंसते नहीं हैं धुलते टाइम, जो लगभग 50% ये रिड्यूस कर देता है। और जो इसका डिज़ाइन है वो यहाँ पे एंटी वाइब्रेशन डिज़ाइन है, जिसके कारण ये वाइब्रेट नहीं करता है, और साथ ही साथ यहाँ पे नॉइज बहुत कम प्रोड्यूस करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पीड परफेक्ट फीचर मिलता है, जो कि आपके वॉशिंग टाइम को लगभग 20% कम समय में ये आपके वॉश करके देता है। साथ साथ यहाँ पे एक्टिव वाटर प्लस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जहाँ पे आपके वाटर एडजस्ट हो जाता है बेस्ड ऑन आपका लोड क्या है और सब कुछ कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आपका पानी खर्च यहाँ पे बचाता है, जो कि इनडायरेक्टली आपके वाटर को यहाँ पे सेव करता है। और वेरियो ड्रम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये डेलिकेट कपड़ों को अच्छे से धोता है, और फ्रेश लॉन्ड्री इसके अंदर मात्र 60 मिनट्स के अंदर आपको मिल जाएगी। और इसके जैसे मैंने बताया कि इनबिल्ट हीटर भी दिया है, तो 60 डिग्री तक ये सेल्सियस वाटर हीट करके आपके कपड़े के जितनी भी गंदगी है उसको रिमूव कर देगा। और 8 kg की कैपेसिटी है, इतने अच्छे RPM के साथ ही मिला। तो मैं आप सभी को ये वाला बॉश का 8 kg वाला फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, मैं आप सभी लोग को हाईली रिकमेंड करूँगा। आप लोग इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी आप सभी लोगों ने देखा है ये टॉप 5 बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, और मैं आप सभी को कुछ ऐसे बातें बताना चाहता हूं जो कि आप सभी लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा अगर आप सभी लोग खरीदने जा रहे हैं एक बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसकी कैपेसिटी, कि आपको कितने कैपेसिटी के यहाँ पे वॉशिंग मशीन लेना चाहिए। तो कैपेसिटी के बारे में देखें तो यहाँ पे आपको 6 kg का मिलता है, 6.5 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, इस टाइप के आपको kg ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आपकी फैमिली में 1 से 2 लोग हैं तो आप लोग 6 kg तक का वॉशिंग मशीन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली में 3 से 4 लोग की फैमिली है तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 6 kg से लेके 8 kg के बीच में आप लोग कोई सा भी वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली, 8 से ज्यादा या 5-6 लोग से ज्यादा लोग आपके फैमिली में है, तो आप लोग कोशिश करेगा 8 kg एंड अबव की आप लोग वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों आप सभी लोग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ले, क्योंकि इसके फायदे बहुत सारे हैं। अगर आप लोग कंपेयर करेंगे टॉप लोड वॉशिंग मशीन या सेमी लोड वॉशिंग मशीन से, तो जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन उसके फायदे यहाँ पे बहुत सारे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी एनर्जी काफी ज्यादा बचती है, ये बिजली कम खाता है, पानी का कंजप्शन कम होता है, काफी अच्छे से कपड़े धोता है, काफी सारे एडवांस फीचर्स के साथ आता है। और लॉन्ग रन में अगर आप लोग देखेंगे तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। हालांकि यहाँ पे कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेमी ऑटोमेटिक या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, क्योंकि यहाँ पे आपको फीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप एक लंबा समय तक देखेंगे तो यहाँ की आपकी कॉस्ट डेफिनेटली बचने वाली है, क्योंकि जो पावर कंजप्शन आपका फ्रंट लोड जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन करेगा उससे कई गुना कम यहाँ पे आपका फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन करता है। तो यहाँ पे आप लोग बिजली बचाएंगे, तो बिजली से जो पैसा बचेगा वो आप लोग सोचिएगा, तो लॉन्ग रन में आपका डेफिनेटली ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि उस पैसों में आपका कपड़े अच्छे से धुल रहे हैं, फीचर्स काफी सारे मिल रहे हैं, और बहुत यहाँ पे चीजें आपको अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग देखिएगा ब्रांड वैल्यू कि आप लोग कोई सा भी अगर इन पांचों में लेते हैं, आप लोग देखिएगा उसका ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने जितने भी दिखाए सारे के सारे ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा अच्छे हैं, LG हो गया, सैमसंग हो गया, बॉश स्पेशली सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं ब्रांड प्रोडक्ट मैं आप सभी लोग को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोग के आसपास वाला सर्विस नेटवर्क उसके अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए अगर कुछ खराब होता है आपके वॉशिंग मशीन के अंदर, तो आसपास तो कोई ऐसा वर्कशॉप या ऐसा कुछ होना चाहिए जहां पे आपका वॉशिंग मशीन तुरंत बन जाए। अगर आपने कुछ ऐसा ऐसा ब्रांड के लिए जहां पे आपके एरिया में उसकी सर्विस ही नहीं है, तो आपके लिए कितना ज्यादा वो लॉस हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि एक अच्छे ब्रांड का ही आप लोग वॉशिंग मशीन यहाँ पे लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ध्यान दे सकते हैं उसके कितने टाइप के वॉशिंग फीचर्स दिए हैं, क्योंकि देखिए ये जितने भी आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन देखने मिलेंगे इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग वॉशिंग फीचर्स मिलेंगे। वॉशिंग फीचर इन द सेंस कि आप लोग कौन कौन से टाइप के कपड़े उसमें धो सकते हैं, या आपको जींस धोना है, या सिल्क धोना है, या डेलिकेट कपड़े जैसे बच्चों के कपड़े धोने हैं, ब्लैंकेट धोना है जो कि जिसमें काफी ज्यादा समय लगता है। तो इस तरह का करना आपको अंदर आपके वॉशिंग मशीन में काफी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, तो जो कि मैंने सारे के सारे फीचर आपको इस वीडियो में बताया है। तो आप लोग देखिएगा आपको इन पांचों वॉशिंग मशीन में कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन पसंद आ रहा है जिसके अंदर आपको सारे के सारे आपके फीचर्स मिल रहे हैं। उसके बाद आप लोग देखिएगा उसके टेक्नोलॉजी कौन सी बेस्ट है, मतलब किस टेक्नोलॉजी पे वो काम करता है, उसके अंदर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी है या नहीं दी है। और मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कोई से भी आप लोग वॉशिंग मशीन
मशीन लेंगे तो प्लीज हो सके तो उसके अंदर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला वॉशिंग मशीन ही लीजिएगा। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला वॉशिंग मशीन काफी ज्यादा काम करता है क्योंकि वो आपकी बिजली को बहुत ज्यादा बचाता है, आपके पैसे बहुत बचाएगा और काफी उपयोगी भी होता है। अगर आपका पावर फ्लक्चुएट होता है तो उन केस में भी ये इन्वर्टर वाला जो वॉशिंग मशीन होता है वो काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करता है मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे देख लीजिए जो नॉर्मल वाला वॉशिंग मशीन होता है उसके अंदर अगर आप लोग कम कपड़ा डालें चाहे ज्यादा कपड़ा डालें वो एक ही स्पीड में रन करेगा, वो उतना ही पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर आप लोग इन्वर्टर वाला अगर आप लोग वॉशिंग मशीन लेते हैं तो ये आपके लोड के अकॉर्डिंग अपना स्पीड को एडजस्ट करेगा और उस स्पीड के चलते आपका पावर कंजप्शन यहाँ पे कम हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई एक नॉर्मल वॉशिंग मशीन अगर आपको 100% का पावर कंज्यूम कर रहा है तो वही सेम केस में अगर आप लोग इन्वर्टर वाला फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेंगे तो यहां पे आपका पावर कंजप्शन 50% तक रिड्यूस हो जाता है क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन करता है बेस्ड ऑन कितना आपने उसमें कपड़े डाले हैं उस बेसिस में ये काम करता है। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसके बाद आप लोग देखिएगा उसके अंदर डायरेक्ट ड्राइव वाला फीचर दिया है या नहीं दिया है। यूजली काफी सारे वॉशिंग मशीन में बेल्ट के थ्रू ड्रम घूमता है, पर जितने भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन तो उन सारे में मैक्सिमम में आपको डायरेक्ट ड्राइव वाला फीचर मिलता है जिसके अंदर मोटर ड्रम से डायरेक्टली अटैच होता है जिसके कारण यहाँ पे नॉइस कम प्रोड्यूस होता है और ज्यादा वियर एंड टियर नहीं। क्योंकि देखिए अगर बेल्ट वाला सिस्टम लगाएंगे तो थोड़ा घूमने में समय लगता है और फ्रिक्शन होता है उसके अंदर नॉइस प्रोड्यूस होगा, पूरा वॉशिंग मशीन हिलता है। लेकिन अगर मोटर डायरेक्टली आपके ड्रम से ही अटैच रहेगा तो उसके अंदर ज्यादा कोई मूवेबल पार्ट ही नहीं होगा, डायरेक्टली मोटर से ही ड्रम घूमता है तो इसमें नॉइस कम प्रोड्यूस होता है और बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से ये आपके लिए काम करता है। तो देखिए ये तो इंपॉर्टेंट, तो आप लोग कोशिश करेगा इन्वर्टर ड्राइव वाला वॉशिंग मशीन लीजिएगा जिसके अंदर आपको दोनों ही फीचर यहां पे मिल जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिएगा आपके वॉशिंग मशीन के अंदर इनबिल्ट हीटर दिया है या नहीं दिया है। देखिए इनबिल्ट हीटर ठंडी के समय में बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि देखिए जैसे कुछ कंबल हो गया जींस हो गया जिसमें अंदर बहुत खराब तरीके के दाग वगैरह लगे हैं तो उन केस में क्या होगा कि आप गर्म पानी में पहले कपड़े डालेंगे। लेकिन जितने भी वॉशिंग मशीन में इनबिल्ट हीटर होता है उसके अंदर आप लोग डायरेक्टली इन सारे कपड़ों को डाल सकते हैं और उसके अंदर जो हीटर होगा वो पानी को गर्म करेगा और जितने भी कपड़े में डर्ट वगैरह उसको पूरा निकाल के बाहर फेंकेगा जिसके कारण आपके जो कपड़े हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे साफ होंगे। तो इनबिल्ट हीटर का ये बहुत एडवांस फीचर है, अब मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा। आप लोग लेंगे तो प्लीज इनबिल्ट हीटर वाला देख सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप लोग इनबिल्ट हीटर वाला वॉशिंग मशीन यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं उसकी यूजर फ्रेंडली कितना ज्यादा हो, मतलब आपको अगर आप लोग लेंगे तो आपको चलाने भी तो आना चाहिए क्योंकि अगर आप देखेंगे यार इतना सारा बटन है कौन सा करूं क्या, तो आपके लिए जो वॉशिंग मशीन होना चाहिए वो काफी ज्यादा इजी टू यूज भी होना चाहिए। हालांकि अभी जितने भी मैंने वॉशिंग मशीन दिखाया उसके सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और आपको इंटरनेट में वीडियोस भी मिल जाएंगे किस तरह से उसको ऑपरेट करना है, मतलब काफी इजी होता है, आपको कुछ समय लगेगा लेकिन बहुत आसानी तरीके से आप लोग यहाँ पे सीख जाएंगे। उसके बाद देखते हैं उसके अंदर बबल वॉश वाला फीचर दिया है नहीं दिया है। काफी सारे में ये बेसिकली बबल वॉश, स्ट्रोक वॉश, क्विक वॉश, ये बेसिकली फीचर्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी। बबल वॉश में क्या करता है कि आपका जो डिटर्जेंट है उसको बबल में कन्वर्ट करता है और उस डिटर्जेंट का जो बबल है बबल फॉर्म में वो कपड़ों के बीच में जाता है और वहां से जो दाग वगैरह वो खराब मतलब निकालता है, साफ करता है। उसके बाद जो सोक टेक्नोलॉजी है वो भी उसी तरह से काम करता है, वो भी बबल बेस्ड ही काम करता है। वो बबल का यूज करके जितने भी गंदगी है कपड़े आपके कपड़े के अंदर उसको वहां से निकाल के फेंकता है। उसके बाद आता है क्विक वॉश जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल के जनरेशन क्या काफी फास्ट फास्ट आपको कपड़े चाहिए तो काफी सारे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में क्विक वॉश फीचर मिलेगा जिसके अंदर मान लीजिए 60 मिनट्स के अंदर ही आपका कपड़े सारे धुल के सूख के बाहर आ जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग रन में अगर आप जो कहीं जल्दीबाजी में आप चाहते हैं साफ साफ कपड़े मिल जाए तो आप लोग ये क्विक वॉश वाला फीचर को अनेबल कर सकते हैं जिसके जब बहुत जल्दी आपके कपड़े यहाँ पे धुल के बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं उसका वाटर कंजप्शन की आपका जो वॉशिंग मशीन का वाटर कंजप्शन कितना ज्यादा, मतलब एक सिंगल साइकिल के लिए वो कितना वाटर नीड करता है। और कोशिश करिए थोड़ा कम बचत वाला जिसके पानी कंजप्शन सबसे कम हो वही वाला आप लोग लीजिए क्योंकि पानी भी बचाना जरूरी है। काफी सारे वॉशिंग मशीन का पानी बहुत ज्यादा लगता है लेकिन कुछ वॉशिंग मशीन ऐसे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी इस तरह से उसमें बनाई गई जिसके अंदर बहुत कम पानी में भी आपके कपड़े बहुत अच्छे से यहाँ पे निकल मतलब वॉश बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। उसके बाद आता है आजकल एलर्जी वाला फीचर, एंटी एलर्जन फीचर आता है वो, मतलब जिसके अंदर जिसको
एलर्जी वगैरह से प्रॉब्लम है तो मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो आपके कपड़े को पूरा एंटी एलर्जी मतलब एलर्जी से बचा देता है, इस तरह का कुछ कुछ करता है, जितने भी डस्ट पोलन वगैरह जिसके कारण आपको एलर्जी होती है उसको बहुत आसानी तरीके से यहाँ पर रिमूव करता है। तो इस तरीके का आपको बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आप लोग के लिए काफी ईजी है, आप लोग बहुत आसानी से समझ लेते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने कोशिश किया मैक्सिमम यहाँ पे आपको सारी जानकारी दे पाऊं। अगर इसके अलावा भी अगर आपको मन में कुछ भी डाउट होता है या कुछ चीज के बारे में आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो आप सभी लोग के लिए कमेंट सेक्शन यहाँ पे पूरी तरह से ओपन है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ये जानकारी आप सभी लोग को पसंद जरूर आएगा। अगर ये वीडियो किसी भी वजह से पसंद आया तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक करके जरूर जाएगा और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। और आप लोग के मन में कुछ भी डाउट है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ऊपर तो कमेंट सेक्शन आप सभी लोग के लिए हमेशा ओपन है। और यहाँ पे मैंने जितने भी आपको दिखाए ये सारे के सारे हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप लोग डेफिनेटली अमेज़न में जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। पसंद आए तो ही आप लोग इन प्रोडक्ट को वहां से जाके परचेस करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।